वीरे जी, जो सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये वो सरकार है जो शहीदों का अपमान कर रही है, जिसको इतिहास की समझ नहीं, या ये माना जाए कि दरअसल ये कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी का अपमान किया जाए या इसकी इसकी इसको इसको गड़बड़ किया जाए, बल्कि गलती हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। आपको लगता है कि वाकई में गलत नहीं हुआ है? आशुतोष जी, ये एक समूचे नजरिए की बात है। ये जो वर्तमान सत्ता तंत्र है, इसका जो एक समूचा नजरिया है, चीजों को घटना के रूप में, इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना, सौंदर्यीकृत करना और उत्सवीकरण करना, तो ये उसी का नतीजा है। अब जालियांवाला बाग की घटना जो है, जो कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतना एक, जिसे कहा जाए कि एक ऐसा पड़ाव है कि उसको याद करके हम उसकी उस मंजिल को याद करते हैं, तो सवाल यह है कि उसका रास्ता, उसकी गली को बदल देना, म्यूरल्स को खड़े कर देना, उसको सुनहरे रंग में रंग देना, तो वो उसका विरूपीकरण है। तो इतिहास इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी धरोहर को, किसी इस तरह के स्थान को मनमाने ढंग से उसका विरूपीकरण कर दें। तो एक ये माना जाना चाहिए कि इस सत्ता तंत्र का, इस सरकार की एक गहरी इतिहास दृष्टि नहीं है और चीजों को वो एक जो है एक हल्के फुल्के ढंग से सौंदर्यीकृत करने के रूप में और जनता के सामने एक जो है एक बहुत ही एक इस रूप में पेश करना चाहती है कि सरकार ने जो है सब कुछ एक नए ढंग से प्रस्तुत कर दिया। अब खाली ऐसा थोड़ी है कि वहां का एक जो है सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ वहां पर वो प्लेट लगाई जाएगी ये किसने किया और किसने इसका विमोचन किया, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, धरोहरों को सुरक्षित करने का काम खाली ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। आप याद कीजिए कि हिरोशिमा को किस तरह से सुरक्षित किया गया है। तो हिरोशिमा की जो ध्वंस गाथा है, हिरोशिमा की ध्वंस गाथा को उसको सुरक्षित रखते हुए संरक्षित किया गया है। तो जगहों को संरक्षित किया जाए और उसको नष्ट होने से बचाया जाए, लेकिन उसका मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाए, उसको टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया जाए और लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम या एक जिसे कहा जाए कि एक विचित्र ढंग के वहां प्रकाश और इस ढंग का, यानी कि उसमें प्रवेश करते ही आपको एक जो है पिकनिक का एहसास हो। तो ये पिकनिक का जो एहसास कराना, मैं इसको सिर्फ नासमझी नहीं मानता हूँ, ये एक सोची समझी चीजें हैं कि किसी चीज को गंभीरता से न लेना, हर इस पार्ट को, हर घटना को जो है एक उत्सव के रूप में बदल देना और उसका व्यवसायीकरण करना। अब इसके बाद यह भी होगा, ये किसी कारपोरेट को दे दिया जाएगा, वो इसका रख रखाव करेगा, तो चीजें यही नहीं रुकने वाली, इसके आगे भी रुकने वाली है। जो कुआं है, कुएं पर ठीक है आपने ग्लास के साथ ढक दिया, लेकिन जो कुआं था जिसमें सैकड़ों लोग कूद करके जान गंवा बैठे, उस कुएं को अपने मूल स्वरूप में संरक्षित रखना चाहिए था। तो एक जो एक नजरिया है पूरा, वो चाहे सेंट्रल विस्टा का नजरिया हो, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ की गली की बात हो, कि बाबा विश्वनाथ की गली का रास्ता चौड़ा करके आपने गंगा के घाट से जोड़ दिया, लेकिन वो से नगरी का, काशी की नगरी का जो एक मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप नष्ट हो गया। तो एक पूरा एक नजरिया दिखाई पड़ता है। तो मैं इसको इस रूप में नहीं मानता कि ये हो गया, ये हो नहीं गया, ये एक इतिहास दृष्ट नहीं है। और इस बात पे विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी इतिहास विहीन, सोच विहीन दृष्टि जो है, खाली जालियांवाला बाग की बात नहीं, समूचे हमारे देश में जो धरोहरें हैं, जो जो चीजें हैं या जो संग्रहालय हैं, उनके साथ क्या स्वरूप अख्तियार करेगी। आप देखिए त्रिमूर्ति भवन को भी जिस तरह से बदला गया, यानी कि जिस तरह से बदलाव की एक हवा चल रही है, एक बयान चल रही है और चीजों को गंभीरता से न लेना, मैं समझता हूँ ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। और इसीलिए देश के इतिहासकार हों, संस्कृत कर्मी हों, लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, सभी चिंतित हैं और आक्रोशित भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है एक संपूर्णता में, समूचे नजरिए के रूप में देखा जाना चाहिए और मैं इसे इसी रूप में देखता हूँ। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।